नमस्कार, द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका माथुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चौथी और पांचवी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की चौथी और पांचवी लिस्ट में 61 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। लिस्ट में 7 विधायकों के टिकट कटे हैं। चौथी सूची आने के बाद अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा ने और जोर पकड़ लिया है कि आखिर सरकार के ताकतवर मंत्री महेश जोशी और शांति धारीवाल को अब तक टिकट क्यों नहीं मिला। इन चर्चाओं के पीछे तर्क भी है, क्योंकि गहलोत सरकार जब भी संकट में आई तो दोनों मंत्री गहलोत के साथ फ्रंट फुट पर मौजूद रहे। सचिन पायलट जब अपनी ही सरकार के खिलाफ मानेसर के एक होटल में अपने समर्थक विधायकों के साथ चले गए थे, तब महेश जोशी सचेतक की भूमिका में थे। वहीं धारीवाल के बयान मीडिया में काफी चर्चा में थे। पिछले दिनों कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान एक खबर ने खूब ध्यान खींचा था, जिसके मुताबिक धारीवाल के नाम को लेकर सोनिया गांधी को कुछ आपत्ति थी। कहा यह भी गया था कि राहुल गांधी ने मीटिंग में धारीवाल के नाम पर हो रही चर्चा के दौरान कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इनकी काफी शिकायतें आई थी। शांति धारीवाल का एक बयान खूब चर्चा में आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कौन आला कमान, राजस्थान में आला कमान सिर्फ अशोक गहलोत है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बात से कांग्रेस आला कमान उनसे नाराज है। जयपुर में 25 सितंबर को AICC की तरफ से अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए आए थे। उस दिन अशोक गहलोत जयपुर में नहीं थे, तब गहलोत समर्थक विधायकों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया था। उनका कहना था कि जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, CM गहलोत ही रहेंगे। अगर वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पसंद का होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के अब तक 151 उम्मीदवारों में महेश जोशी का नाम भी गायब है। ऐसी चर्चा है कि जोशी का उनके विधानसभा क्षेत्र में काफी विरोध है और वो वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इस बात की भी खबरें हैं थी कि जोशी जयपुर की किशनपोल सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने किशनपोल से एक बार फिर अमीन कागजी को मैदान में उतार दिया है। महेश जोशी के बेटे पर रेप केस के भी आरोप लगे थे, जिसके बाद उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचा था। राजनीतिक खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए द नगरी न्यूज के साथ। नमस्कार।